वेलकम टू अल्बतीन ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम लिसनर और व्यूअर खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्यूरीज मेरे पास रिसीव हो रही हैं रशिया में जॉब के हवाले से, उसमें आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। बेसिकली आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, उनकी बेसिक लैंग्वेज तक जब तक आपको नहीं आती, आप टर्की में चले जाएँ टर्किश नहीं आती, जर्मन में चले जाएँ जर्मनी में चले जाएँ जर्मन आपको नहीं आती, तो इसी तरह रशिया में आपको रशियन आनी चाहिए। आपको जॉब सर्चिंग में जॉब जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं वो सबसे पहले प्रेफरेंस करती हैं आपको, उनकी लोकल बेसिक जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपके पास लैंग्वेज की स्किल है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको जॉब सीकिंग में और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। रशिया एक डेवलप कंट्री है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरे सिटीज में आप बिल्कुल स्टडी के साथ अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपके पास उनकी लैंग्वेज जो बैरियर है वो नहीं होना चाहिए, आपके पास रशियन लैंग्वेज की स्किल होनी चाहिए। आप जितनी जल्दी अपने स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, उसमें स्पेशलाइज करेंगे, आपके लिए उतनी जॉब सर्चिंग इजीली है। इसलिए क्यूरीज में मैं वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं अपने आप को सेटलमेंट के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, अपनी एज अ स्टडी प्लस जॉब के लिए, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने आप को अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी हार्डवर्किंग स्किल्स हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करें ताकि उनके लिए सेटलमेंट इजी हो, जॉब सर्चिंग इजी हो रशिया में। एट द एंड थैंक्स फॉर ऑल लिसनर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग रशिया स्टडी वीज़ा एंड अदर वीज़ा, यू कैन कंसल्ट विद अस एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट।